आई वॉज 6 ईयर्स ओल्ड, मैं 6 साल का था जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे म्यूज़िक करना है। बहुत छोटी उम्र थी, लोग यूजुअली इतनी जल्दी डिसाइड नहीं करते, पर आई थिंक मुझे बचपन में किसी ने एक गिफ्ट दिया था, छोटा सा जो बच्चों को कीबोर्ड देते हैं, तो उस पर बजाते बजाते मुझे मेरे पेरेंट्स को लगा कि मे बी म्यूज़िक में सूट होएगा उसे एक करियर या जो भी। उन लोग ने तो सिर्फ ऐसे ही जैसे बच्चों को क्लासेस में डालते मुझे डाला था। तो आई थिंक फ्रॉम देयर से अभी मैं 19 ईयर्स का हूँ, तो मुझे 13 साल हो गए हैं पियानो सीखते सीखते। तो तब से मैंने अपने ड्रीम को ग्रो करते हुए देखा एंड मैंने तब से डिसाइड किया कि मुझे म्यूजिशियन बनना है, कंपोज़र बनना है। और अभी जो सिंगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो तो मैं आई एम नॉट अ ट्रेंड सिंगर। एक फिल्म आ रही है डैड ने जिसमें म्यूज़िक दिया है, कॉल्ड 3 नाइट्स 4 डेज़। इस फिल्म में 2 गाने जो मैंने गाए हैं, और बात ये थी कि मैंने एक्चुअली गाना एक रफ ट्रैक की तरह गाया था कि उस टाइम सिंगर के डेट्स अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने ऐसे ही गा दिया था। वही गाना चला गया शूटिंग पे और लिप सिंक होने के बाद डायरेक्टर को ये लगा अरे दिस इज़ द परफेक्ट वॉइस, तो ये रहने देते हैं। तो आई थिंक मेरा सिंगिंग ब्रेक बहुत सडनली आ गया, बट मेनली आई वॉन्ट टू बिकम अ कंपोजर। आई हैव नॉट मेड म्यूजिक फॉर एनी फिल्म, बट आई हैव डन मैनी एड्स। मैंने रिलायंस के एड्स किए, रिलायंस मोबाइल के, फिर मैंने पोलियो इन इंडिया का एक बैकग्राउंड म्यूज़िक किया था, और अभी किसान करके जो फिल्म थी सोहेल खान और यूटीवी प्रोडक्शंस की, उसमें एक गाना था मेरे देश की धरती जो पुराना गाना था उसका रीमिक्स मैंने किया और सब गानों का अरेंजमेंट प्रोग्रामिंग किया। सो म्यूज़िकली अभी आई एम कम्प्लीटली वर्किंग विथ माई डैड इन टर्म्स ऑफ साउंड प्रोडक्शन, डिज़ाइनिंग, अरेंजमेंट। तो एज कंपोज़र तो अब तक मेरी एक भी फिल्म आई नहीं है, बट आई एम स्टिल मेकिंग सॉन्ग्स, मीटिंग पीपल। 2 ईयर्स बैक आई स्टार्टेड मीटिंग एड एजेंसीज, तो उस टाइम पे मेरे जो फिल्म है 3 नाइट्स 4 डेज़, उसके गाने बन चुके थे, यानी बेसिक बन चुका था। मैंने मेरे जो गाए हुए गाने थे वो एक CD पे ले गया था मैं, तो वो सुनने के बाद आई थिंक दे लाइक्ड माई म्यूज़िक। और सडनली एक दिन व्हाट हैपेंड कि उन लोग को शॉर्ट नोटिस पे काम चाहिए था, एंड द मेन द पीपल हु आर यूजुअली डूइंग एड्स एंड ऑल डे इन डे आउट, उनके पास टाइम नहीं था, तो सीधा वो ऐड मेरे पास आ गया। दैट वाज मे बी लक था, तो सीधा ऐड आ गया और मैंने उनको बहुत जल्दी काम ख़त्म करके दिया, तो दे वर वेरी हैप्पी। सो उसके बाद एड्स केप्ट ऑन कमिंग, और अभी आई एम जस्ट 2 डेज़ बैक आई डिड एन ऐड फॉर हॉर्लिक्स। तो ऐसे धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ, बट माई फर्स्ट ऐड वॉज रिलायंस। ऑब्वियसली मेरे हीरो तो मेरे डैड ही है, बट आई लव माई अंकल्स म्यूज़िक ऑल्सो। माई ग्रैंड फादर भी म्यूज़िक डायरेक्टर थे, सरदार मलिक जी। बट मैं जब भी एक गाना बनाता हूँ आई थिंक पहला एडवाइस तो मैं अपने डैडी से ही लेता हूँ, और फिर मेरा एक छोटा भाई भी है अरमान, वो ही इज़ अ लॉट इन टू इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक उसने सीखा है एंड ऑल, तो उससे भी मैं अपनी एडवाइस लेता हूँ। मेरे से 5 साल छोटा है पर म्यूज़िक में काफ़ी कुछ जानता है, तो पहला एडवाइस डैड और दूसरा मेरा भाई। टफ तो था एक्चुअली, क्योंकि इन अ वे इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट स्टेप टू टेक, क्योंकि वो गाना अपने टाइम पे इतना बड़ा एक सुपर हिट था, उतने लेवल पे उसको एक्सपेक्टेशन पे मैच करना मुश्किल काम था। और बात ये थी कि वो गाना 50 साल, आई थिंक 50 ईयर्स ऑलमोस्ट हो चुके थे उस गाने को, और इस फिल्म में उसे लाया गया है जो फिल्म से इज़ लाइक अ ट्रिब्यूट किसानों की तरफ, उपका इट इज़ अ ट्रिब्यूट फ्रॉम द स्टार कास्ट एंड द फुल कास्ट एंड क्रू ऑफ किसान टू आर मेरे देश की धरती। सभी उस गाने को ऐसे प्रेजेंट करना था कि यंगस्टर्स को भी पसंद आए। मेन ऑडियंस हमारा एम था कि यंगस्टर्स को ये गाना अपील हो, क्योंकि आजकल के यंगस्टर्स पुराने गाने भूल चुके हैं या उन लोग ने सुना भी नहीं है। क्योंकि मेरे दो तीन दोस्त थे जिन्होंने जब मैंने रीमिक्स किया था और जब कर रहा था तब उन्होंने गाना सुन के बोला अरे ये कौन सा गाना है, तो यही क्वेश्चन हटाने के लिए हम लोग ने रीमिक्स किया कि आज की जनरेशन ये गाने को जाने और इसको पहचाने और इसको रिस्पेक्ट दे जो उसकी ज़रूरत है। पर वो आज की जनरेशन करेगी नहीं जब तक वो गाना डांस ट्रैक ना हो और मस्ती ना भरा हो उसमें और डिस्को जैसे बीट्स ना हो। तो हम लोग का द आइडिया वॉज एक्चुअली सलमान खान आइडिया। उन्होंने बोला था कि मेरे देश की धरती, जहाँ जहाँ वो प्रमोशनल अपने इलेक्शन कैंपेन में अपने दोस्तों के लिए जाते थे वहाँ एक ही गाना बजता था, मेरे देश की धरती। तो उन्हें ये लगा कि किसान हमारी फिल्म बन रही है किसान उनके भाई की, तो उन्हें लगा कि ये गाना इंक्लूड होएगा तो फिल्म को 4 चांद लग जाएंगे। तो ये करने के लिए उन्होंने मुझसे बात की और हमने डिसाइड किया कि ये गाना हमें बनाना भी है, रिस्पेक्ट रखनी है उस गाने की, पर यंगस्टर्स को भी याद दिलाना कि ये गाना है। तो वो करने के लिए पूरा मुझे सिर्फ इतना ब्रीफ दिया था
कि जो म्यूज़िक तुम डिस्को में सुनते हो या जो पार्टीज़ पे सुनते हो और जो यंगस्टर्स को पसंद है, उस तरीके से ये गाने को बनाओ। और मैंने बिल्कुल वैसा बनाया। और आज अभी कोई भी जहाँ भी बॉलीवुड नाइट्स हो रहे डिस्कोज में, इधर उधर या तो ढांटना बज रहा है या तो ये रिमिक्स बज रहा है। ये एफर्ट मेरे और मेरे डैड दोनों एक साथ थे, हम लोग दोनों ने इस रिमिक्स पे काम किया है। हम लोग का एक प्रीमियर था किसान का, जब मनोज कुमार जी आए थे, पर्सनल ट्रायल था एक, तो जहाँ जब उन्होंने फाइनली ये गाना देखा पिक्चराइज और रिमिक्स और सब साउंड थिएटर में, उन्होंने जब सुना तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी। उन्होंने ही मेट मी, ही मेट माई डैड, और उन्होंने बोला कि हमने तो ऐसी गाना बनाया था 50 साल पहले, तुमने तो और भी निखार दिया और कुछ अलग ही बना दिया।